दोस्तों वेलकम टू चैनल एस के लिए फैंटेसी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अफ्रीका T20 कॉन्टिनेंट मैच का आज का जो सेकंड मैच खेले जाएंगे उगांडा वर्सेस रवांडा के बीच में, तो उसी के बारे में। मैच टाइम देख सकते हैं आज शाम 4 बजे मैच स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग उसी हिसाब से एक्टिव रहिएगा। और आज दोस्तों इस मैच में जो भी टीम जीतेगा उसी तो फाइनल में चले जाएंगे। और एक और मैच जो खेले जाएंगे दोस्तों आज केनिया वर्सेस रवांडा के बीच में, उस पर भी जो टीम जीतेंगे वो सीधा फाइनल पर आ जाएंगे। तो दोस्तों अगर दोनों टीम के मैच विनिंग प्रेडिक्शन लेकर बात की जाए तो उगांडा का जीतने का चांस काफ़ी ज़्यादा हाई रहेंगे, क्योंकि इस सीरीज में उगांडा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। उगांडा के जीतने का चांस यहाँ पर दोस्तों इस मैच में रहेंगे 85% और यहाँ पर रवांडा के जीतने का चांस रहेंगे 15%। तो उगांडा जब पहले बॉलिंग करेंगे तो उगांडा के जीतने का चांस और भी ज़्यादा हाई हो जाएंगे। और ये मैच जो रहेंगे बिल्कुल टॉस के अकॉर्डिंग आपको टीम बनानी होगी, टीम आपको बिल्कुल टॉस के अकॉर्डिंग बनाना होगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखिए उगांडा की तरफ से मैक्सिमम बॉलर्स को लेकर जाइएगा, कौन ऐसा प्लेयर रहेंगे जो उगांडा की तरफ से आपको अच्छा खासा पॉइंट दिला सकते हैं, और डिफॉल्ट कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए कौन अच्छा पिक रहेंगे वो भी मैं आपको वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा। तो अभी जो आपको वीडियो में टीम देखने मिलेंगे वो एक डेमो टीम रहेंगे, फाइनल जो टीम रहेंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल के लिंक आप किसी वीडियो की फर्स्ट कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, उसी लिंक से आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप इसी चैनल में लगातार बहुत सारे मैचेस की कवरेज मिलते रहेंगे। लास्ट मैच की परफॉर्मेंस देख सकते हैं जो कि केनिया के साथ खेल के आ रहे थे, आसानी से मैच को विन किए थे। बैटिंग से परफॉर्मेंस देख सकते हैं दोस्तों सिमोन सीजा से बहुत ही बड़े परफॉर्मेंस किए थे, यहाँ पर 56 रन नॉट आउट थे। फिर देखिए रॉबिनसन ओपनिंग करने के लिए 1 रन बना आउट हुए थे, रिसेंट फॉर्म बहुत ही खराब है, लगातार 3-4 मैच में फ्लॉप गए, तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। क्या से पर 1 रन पर आ गए थे, अगर फिर से दोस्तों 1 रन पर आएंगे तो कैप बेसिकली भी बहुत ही अच्छा पिक बन जाएंगे, क्योंकि आप रिसेंटली 4-4 ओवर की बॉलिंग भी कर रहे हैं, तो आप इनको जरूर टीम में पिक करके जाइएगा। रिजा का तालीसा बहुत ही बड़े पिक रहेंगे कैप बेसिक के लिए, और आप इनको डिफॉल्ट पिक मान के जा सकते हैं ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टन, ठीक है, क्योंकि आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से अच्छा खासा पॉइंट दिला के जा सकते हैं और बहुत ही बड़े फील्डर भी है। दिनेश लाकर दोस्तों फाइनली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए थे बैटिंग बॉलिंग दोनों से, ठीक है, जो कि टीम का बहुत बार ऑलराउंडर है, ठीक है। ये भी आपको 4 ओवर की फुल बॉलिंग देंगे, पावर प्ले में दोस्तों रिजा का तालीसा और दिनेश लाकर दोनों करेंगे, और डेथ में भी ये दोनों बॉलिंग करने के, ठीक है, तो दोनों बहुत ही बड़े ऑप्शन रहेंगे कैप बीसी के लिए, आप डिफॉल्ट भी मान के जा सकते हैं। पास के लिए आप सीधा सीधा ड्रॉप कर दीजिएगा। फिर देखिए मुकासा यहाँ पर काफी नीचे आए थे, लेकिन मुकासा को दोस्तों फिर से यहाँ पे ओपनिंग पर भेजा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ओपनर बैट्समैन है और ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं। आई उनका बॉलिंग से परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि कौन कितने ओवर बॉलिंग किए थे इस मैच में। रिजा का तालीसा 3 ओवर बॉलिंग किए थे, 1 विकेट चटकाए थे। फिर देखिए दिनेश नाकरानी 4 ओवर में 1 मिले के साथ 1 विकेट, जो कि बहुत ही शानदार बॉलिंग किए थे। फिर देखिए अल्पेश रामजानी 4 ओवर में 1 विकेट, ये भी बहुत ही बड़े ऑप्शन रहेंगे। कहना तो ऐसा देख सकते हैं 4 ओवर में 1 विकेट चटकाए थे, और सिराज नुसमंगा सिर्फ 1 ही ओवर बॉलिंग किए थे। सीशांत बहुत ही अच्छा पिक रहेंगे, और एक खिलाड़ी तो लास्ट मैच यानी इसी मैच में दोस्तों डेथ में भी 1 ओवर बॉलिंग करने के लिए आए थे, तो सीशांत भी बहुत ही बार पिक रहेंगे। जीएल में कैप बेसिक जरूर ट्राई कर लीजिएगा। वनडे के अब लास्ट मैच की परफॉर्मेंस देख सकते हैं जो कि बोस्टन के साथ खेल के आ रहा है, ये पे मैच विन भी किए थे। यहाँ पर देखिए दीदिया जो विकेट के बल्लेबाज आप चाहो उनको बैक कर सकते, लेकिन इस मैच में थोड़ा रिस्क पिक रहेंगे। एरिक दुर्गा सिंह यहाँ पर दोस्तों स्ट्रगल किए थे, मैं इनको इस मैच में पिक नहीं करूँगा, अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल लेकर जा सकते हैं। फिर देखिए विल्सन लास्ट मैच बहुत ही अच्छा पारी खेले, और इसी के बाद मैच विन भी कर रहे थे, देख सकते 53 रन बनाए थे। फिर देखिए ऑस्कर जो विकेट के बल्लेबाज विकेट ये नहीं करेंगे, विकेट की दीदिया ही करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 22 रन बना के ये भी नॉट आउट थे। फिर देख सकते हैं फिर क्लिंटन जो कि टीम का कप्तान है, और ये आपको बॉलिंग से ही पॉइंट देंगे, तो बैटिंग सेक्शन में ये आपके लिए एक सेफ ऑप्शन रहेगा, आपको बिल्कुल टीम में जगह देकर जा सकते हैं। बॉलिंग से परफॉर्मेंस देख सकते हैं जैपी बी ओम 2 बार विकेटलेस, इस मैच में ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इग्नेस का चाहो तो बैक कर सकते हैं, हर मैच खिलाड़ी 4-4 की बॉलिंग दे रहे हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, तो एक अच्छे पिक बन सकते हैं। मार्टिन यहाँ पर 4 ओवर 1 विकेट, मार्टिन इस टीम का सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर है, तो आप इनको जरूर लेके जाइएगा, स्पेशली राउंड जब पहले बॉलिंग करेंगे तो मार्टिन आपकी टीम में दोस्तों डिफॉल्ट पिक हो सकते हैं, ठीक है। इमिली रुकेरेजा बहुत ही शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा विकेट ले रहे हर मैच में, तो ये आपकी टीम में दोस्तों डिफॉल्ट पिक रहेंगे, आप इनको जरूर टीम में लेके जाइएगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, राउंड जब पहले बैटिंग करेंगे ना, फिर आप इनको भी ड्रॉप कर सकते हैं, इसमें जीएल में ड्रॉप करना, क्योंकि इस मैच में विकेट मिलने के चांस ज्यादा नहीं रहेंगे जब पहले बैटिंग करेंगे, और जब पहले बॉलिंग करेंगे तो ये आपकी टीम में डिफॉल्ट पिक रहेंगे। केविन हीराकुजा बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर है, ठीक है, थोड़ा बहुत नीचे आके बैटिंग कर लेते, लेकिन दोस्तों विकेट अभी तक इनको ज्यादा मिला नहीं है, तो आप इनको जीएल में जरूर ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। क्लिंटन देख सकते 3 ओवर सिर्फ 9 रन दिए थे, विकेटलेस गए थे, बहुत ही अच्छा पिक रहेंगे ये भी आपकी टीम में। सेक्शन में आपके पास 3 से 4 ऑप्शन देखने मिलेंगे, पर देखिए यहाँ पर दोस्तों उगांडा की तरफ से जो विकेट कीपिंग करेंगे ना वो करेंगे यहाँ पर दोस्तों नीचे जो रहेंगे सिका करो, ठीक है, ये विकेट कीपिंग करेंगे, लेकिन बैटिंग काफी नीचे आएंगे, तो अगर आपको चाहिए तो आप इनको पिक कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ सिर्फ विकेट कीपिंग से पॉइंट देंगे, बैटिंग से कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि बैटिंग इनको आएंगे नहीं। फिर देख सकते हैं दोस्तों दीदियार ये विकेट कीपिंग भी करेंगे और बैटिंग से ओपनिंग करने आएंगे, अगर राउंडर की तरफ से किसी एक को पिक करना है तो आप दीदियार को जरूर पिक कर सकते हैं, लेकिन आर मुका सा बहुत ही बड़े बैट्समैन है, हालांकि लास्ट मैच इनको दोस्तों काफी ज्यादा डिमोट किए गए थे, लेकिन हो सकते ये इंपॉर्टेंट मैच है तो इनको फिर से ओपनिंग पर भेज दिया जाए, अगर ओपनिंग पर मेंशन रहेंगे तो फिर यही सेफेस्ट ऑप्शन रहेंगे, तो मैं अभी के लिए उन्हीं को पिक कर रहा हूँ। बैटिंग सेक्स में देखिए क्लिंटन एक ऑलराउंडर है, ठीक है, राउंडर के बहुत ही बड़े ऑलराउंडर है, हालांकि रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, और अभी तक इस खिलाड़ी ने अपने आपको दोस्तों उतना ज्यादा मौका भी नहीं दिया है, टीम का खुद कप्तान भी है, उसके बावजूद भी दोस्तों खिलाड़ी अपने आपको कभी डिमोट कर देते, अपने आपको बॉलिंग भी नहीं करने के मौका देते, इस मैच इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, तो मैं आप इनको चाहो तो बैक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन और भी रहेंगे, एक रहेंगे दोस्तों सिमोन सीजा जी, बहुत ही हालांकि लास्ट मैच 50 रन बना के आ रहे, और क्या ना तो ऐसा क्या ना तो ऐसा लगातार 4-4 की बॉलिंग दे रहे, तो आप इनको ड्रॉप नहीं
कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर दोनों को पिक करूँगा। यहाँ पर नीचे देखोगे दोस्तों विल्सन रहेंगे, एक दुर्गा सिंह रहेंगे, ये दोनों में से कोई एक दो रन बना सकते लेकिन ज़्यादा नहीं 20-25 रन बना सकते, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो पिक कर सकते, मैं बोलूँगा GL में आप लेके जा सकते हैं, स्मॉल लीग में काफ़ी रिस्की पिक रहेंगे। फिर देखोगे अभी रॉबिनसन ऑफ बॉल, लास्ट मैच ओपनिंग पर आए थे लेकिन दोस्तों रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है, लगातार 3 मैचेस में फ्लॉप गए, 3-4 मैच में, तो मैं इनको भी अपनी टीम में पिक नहीं करूँगा, लेकिन GL में आप इनको जरूर लेके जाएगा। अगर फिर से इस मैच में दोस्तों ओपनिंग पर मेंशन रहेगा ना तो बहुत ही बड़े पिक बनेंगे, और GL में आप इनको जरूर ट्राई कर लीजिएगा। पास्केल को सीधा सीधा ड्रॉप कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्लीन टर्न को मैं अभी के लिए पिक कर रहा हूँ क्योंकि एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे और इंपॉर्टेंट मैच है, तो एक खिलाड़ी खुद कप्तान भी है तो अपने आपको जरूर मौका देंगे, ठीक है। ऑलराउंडर सेक्शन में रिजाकत अली शाह, फिर दोस्तों रहेंगे यहाँ पर दिनेश नागरानी, अल्पेश रमजानी, ये तीनों को तो किसी भी हालत में ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि तीनों मेन ऑलराउंडर है दोस्तों उगांडा की तरफ से, तीनों आपको अच्छा खासा पॉइंट देंगे बैटिंग बॉलिंग दोनों से। उगांडा जब पहले बैटिंग करेंगे तो इन्हीं तीनों में से कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते। यहाँ पर देखो दो ऑप्शन और भी रहेंगे, एक रहेंगे इमिली रुकिरेजा और रहेंगे मार्टिन एपो, ठीक है। दोनों बहुत ही अच्छा प्लेयर है, स्पेशली राउंडर जब पहले बॉलिंग करेंगे दोनों आपको बॉलिंग से अच्छा खासा पॉइंट दिला सकते, बैटिंग से उम्मीद ज्यादा मत रखना। तो राउंडर जब पहले बैटिंग करेंगे तो आप ड्रॉप कर सकते, लेकिन जब पहले बॉलिंग तो ये दोनों आपके टीम में डिफॉल्ट पिक होना चाहिए। अभी के लिए दोनों को पिक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए मार्टिन को मैं शायद ड्रॉप भी कर सकता हूँ, चलिए अभी के लिए पिक कर ही लेता हूँ। यहाँ पर देखिए एक और ऑप्शन रहेंगे सिराज सबांगा, ये भी बहुत ही अच्छा पिक रहेंगे और मुझे लगता है इस मैच इस खिलाड़ी को बॉलिंग करने को मौका दिए जाएंगे क्योंकि वीक टीम के साथ मैच है और वीक टीम के सामने इनको हमेशा 3 से 4 ओवर बॉलिंग दिए जाते, तो फिर इंपॉर्टेंट पिक ये भी बन जाएंगे, ठीक है। मैं हो सकता है इस खिलाड़ी को अपनी टीम में पिक कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों राउंड जब पहले बैटिंग करेंगे ना तो मैं यहाँ पर इसी को पिक कर लूँगा, यहाँ पर मार्टिन या फिर किसी एक को ड्रॉप कर दूंगा इमिली रुकिरेजा में से। इमिली रुकिरेजा मैं अभी के लिए रख लूँ क्योंकि स्पिनर यहाँ पर ज़्यादा स्पिनर को ज़्यादा मदद मिल रहा है और देख सकते हैं भाई गुड फॉर स्पिन लिखा भी हुआ है, ठीक है। हर मैच में स्पिनर को बहुत ज़्यादा विकेट मिल रहा है। यहाँ पर देखिए बॉलिंग सेक्शन में रहेंगे दोस्तों सीशांडो बहुत ही अच्छा पिक रहेंगे, आप इनको ड्रॉप नहीं कर सकते। अगर दोस्तों नुसबांगा खेलेंगे तो सीधा सीधा टीम में पिक कर लीजिएगा और GL में इनको कैप बीसी भी बना दीजिएगा, बहुत ही बड़ा विकेट टेकर बॉलर। इस मैच में सीशांडो भी बहुत ही अच्छा पिक रहेंगे कैप बीसी, आप इनको भी दोस्तों कैप बीसी जरूर ट्राई कर लीजिएगा। स्पेशली उगांडा जब पहले बॉलिंग करेंगे तो इसको आप कैप्टन वाइस कैप्टन स्मॉल लीग में भी बना के जा सकते हैं। सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं, हालांकि इस सीरीज में अभी तक ज़्यादा कुछ किया भी नहीं है, लेकिन ऐसे प्लेयर को दोस्तों GL में जरूर रोटेशन करना क्योंकि दोस्तों आपको अगर 2-3 विकेट दिला दिया ना तो आपका काम करके चले जाएंगे और लास्ट में आके हिटिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लेयर को GL में जरूर रोटेशन कीजिएगा। ब्रेन मसाबा खेलेंगे तब इनको भी बैक कर सकते, लगातार नहीं खेल रहे 2-3 मैचेस में, इसलिए पिक नहीं करूंगा। यहाँ पर देखिए जैपी और दोस्तों रहेंगे इंग्लिश, अगर पिक करें तो पिक कर सकते लेकिन मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। तो यहाँ पर मैं अभी के लिए दोस्तों सेसांडो को पिक कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर पिक कर लूँगा बॉलिंग ऑलराउंडर सेक्शन में मार्टिन को और मैं पिक करूँगा फिर दोस्तों सिराज नुसबांगा को, ठीक है। यहाँ पर देखिए मार्टिन को मैं तभी पिक करूँगा जब पहले इनसे बॉलिंग करेंगे राउंड, अदरवाइज मेरे को ड्रॉप करके किसी एक और प्लेयर के साथ जाऊंगा जो उगांडा की तरफ से रहेंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर बात की जाए तो मैंने कैप्टन अभी के लिए रिजा को तालिक शाह को दे रहा हूँ, वाइस कैप्टन यहाँ पर तो अल्पेश रमजानी, फिर देखिए दिनेश नागरानी और दोस्तों रहेंगे बॉलिंग सेक्शन में हेनरी सिसांडो, तीनों बहुत ही बड़े ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। देख उगांडा जब देखिए दोस्तों उगांडा जब पहले बॉलिंग करेंगे तो फिर मैं बोलूंगा दोस्तों अल्पेश रमजानी और यहाँ पे हेनरी सिसांडो बहुत ही अच्छा पिक बन सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए राउंड जब पहले बैटिंग करेंगे ना तो ज़्यादा रन नहीं बना पाएंगे, तो हो सकती है कि यहाँ पर दोस्तों रिजाको तालिको शाह को बैटिंग से ज़्यादा करने को मौका ही ना मिले, तो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों GL में ऐसे प्लेयर को जरूर ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ए रहेंगे ऑलराउंडर सेक्शन एक और पिक रहेंगे, मैंने आपको बताया था कि दोस्तों हेनरी यहाँ पर जो रहेंगे, चलिए अपना नाम दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए सिराज नुसबांगा, ये भी बहुत अच्छा पिक रहेंगे GL में, आप इनको भी कैप बेसी ट्राई कीजिएगा इस मैच में, ठीक है। मैंने अभी के लिए दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ पर मैं सेफ जा रहा हूँ, ठीक है, दिनेश नागरानी और यहाँ पर मैंने रिजाको तालिको शाह को दे रहा हूँ, लेकिन फाइनल टीम आपको डेफिनेटली चेंजेस देखने मिलेंगे। तो फाइनल टीम अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए, इसी वीडियो की फर्स्ट कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, ठीक है। ये डेमो टीम है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, देख सकते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में आर मुकासा को पिक किया हूँ। बैटिंग सेक्शन में देख सकते हैं पे केना तो ऐसा जो कि एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे, फिर देखिए सिमोन सी जैसी, फिर देखिए क्लीन टर्न को मैंने जगह दिया हूँ। तो दोस्तों GL में आप इसके लिए को जरूर क्या बेसी ट्राई कीजिएगा। सेक्शन में देख सकते हैं मार्टिन एक्व या फिर देखिए दिनेश नागरानी, रिजाको तालिशा, अल्पेश रमजानी, सिराज नुसबांगा और इमिली रुकर जी को पिक किया और बॉलिंग सेक्शन में हेनरी सिसांडो को। तो दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए कौन अच्छे रहेंगे और डिफेंसल रहेंगे, एक तो रहेंगे दोस्तों हेनरी सिसांडो, बहुत ही बढ़िया डिफेंसल पिक रहेंगे क्या बेसी के लिए। फिर रहेंगे दोस्तों यहाँ पर अल्पेश रमजानी, बहुत ही बड़े ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर रहेंगे केना तो इनको भी आप ट्राई कीजिएगा और दोस्तों एक रहेंगे सिराज नुसबांगा, ये भी बहुत अच्छे पिक रहेंगे, ठीक है। ये दोनों तो सेफ ऑप्शन रहेंगे, ठीक है, दोनों सेफ रहेंगे। बाकी जो मैंने 4 ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ ये बहुत ही बड़े डिफेंसल पिक रहेंगे GL में, आप बारी बारी में इन 4 को और दोस्तों ये 2 जो सेफ रहेंगे, इन टोटल 6 खिलाड़ी को बारी बारी में कैप बेसी ट्राई कर लीजिएगा और एक आधा खिलर का रोटेशन कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि क्लीन टर्न को रोटेशन कर सकते हैं, मार्टिन को भी रोटेशन कर सकते हैं, इमिली रुकर जी को भी आप रोटेशन कर सकते हैं, ठीक है। उगांडा की तरफ से यहाँ पर सारे खिलर को आप लेकर जा सकते हो क्योंकि सारे खिलाड़ी मुझे इंपॉर्टेंट पिक नजर आ रहा है। अगर दोस्तों रॉबिनसन ऑफ बॉल फिर से ओपनिंग पर मेंशन रहेंगे तो फिर उनका भी रोटेशन में रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको ये पैकेज ज्वाइन होना है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो देर किस बात की, जल्दी से आइए और ज्वाइन हो जाइए। ट्राम में अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है फैंटेसी से तो भाई इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे टीम से कॉन्टिन्यूसली खेलना स्टार्ट कर दीजिए, आप हमेशा अपने आपको प्रॉफिट में ही पाओगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक बाय।